नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशनसा स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। सो दोस्तों, इस चैप्टर का जो समय काल है वो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की हम बात करें तो उसका भी समय काल क्या था, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। लेकिन हम जब चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने उस समय का जो आर्थिक और राजनीतिक इतिहास था उसको हमने समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने मौर्य वंश की बात की थी, है ना। इसके अलावा गुप्त वंश, कुषाण वंश, इन शासकों के बारे में हमने जाना था, और उस समय के व्यापार व्यवस्था या फिर सिक्कों के विकास की हमने बात की थी। जब हम तीसरे चैप्टर में आते हैं तो वहाँ पे हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान का जो सामाजिक इतिहास है उसके बारे में हमने बात की थी, जैसे कि समाज में वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया, जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया, है ना। समाज को किस तरीके से चलाया जाता था, भेदभाव को कैसे बढ़ावा दिया गया था, जैसे कि चांडालों की हमने बात की थी। तो ये सब हमने तीसरे चैप्टर में समझा था। अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें, चौथे चैप्टर की बात करें, तो इसमें हम इस समय काल के धार्मिक इतिहास की बात करने वाले हैं, और विशेषकर हम 3 धर्म के संदर्भ में इस चैप्टर को समझने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बौद्ध धर्म का इतिहास समझेंगे, उसके बाद हम जैन धर्म का इतिहास समझेंगे, और आखिर में हम हिंदू धर्म का इतिहास समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक बताए गए हैं सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से मैं करवाने वाला हूं यह चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर में बौद्ध धर्म को समझने वाले हैं, बौद्ध धर्म के इतिहास की हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर हम बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो थोड़ा सा समस्या आपको आ सकती है, लेकिन जैसे मैं आपको समझाऊंगा ना, वैसे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो जिस तरीके से समझा रहा हूँ, आप बस टॉपिक को समझते रहिए। हम अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। अब शुद्धोधन जब इनका जन्म हुआ था ना, जन्म के लगभग 7 दिन बाद ही इनकी जो माता होती है, जिनका नाम है महामाया, महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो पालन पोषण है वो महाप्रजापति गौतमी करती है। अब महाप्रजापति गौतमी कौन है, तो महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी होती है, और बाद में फिर जो शुद्धोधन है वो उनसे शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो जन्म के कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ साधुओं ने, कुछ संतों ने भविष्यवाणी की थी कि जब भी गौतम बुद्ध को दुख का एहसास होगा ना, तो दुख का एहसास होते ही वो क्या बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। मतलब दो तरीके की भविष्यवाणी थी उस समय, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक बहुत बड़े संत बनेंगे, ठीक है। लेकिन संत तभी बनेंगे जब इनको दुख का एहसास होगा, उनको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में दुख है, ठीक है, तो वो संत बन जाएंगे। ये बात साधुओं ने कही थी, संतों ने कही थी। तो जो उनके पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने सोचा कि भाई मैं अपने बेटे को कभी भी सन्यासी नहीं बनते हुए देखना चाहता, और उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के लिए 3 महल बनवा दिए, अलग अलग सीजन के लिए, अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवा दिए। सभी सुख सुविधाएं महल के अंदर ही उपलब्ध करा दी, महल से बाहर कहीं जाने ही नहीं दिया उनको, ताकि कहीं गौतम बुद्ध को दुख का एहसास ना हो जाए, क्योंकि उनको डर सताता था कि अगर गौतम बुद्ध को दुख का एहसास हो गया, यानी कि सिद्धार्थ को दुख का एहसास हो गया ना, तो महल का त्याग कर देगा और सन्यासी बन जाएगा। लेकिन यार, जो किस्मत में लिखी होती है ना, उसको कोई नहीं बदल सकता, और ऐसा हुआ। गौतम बुद्ध एक दिन अपने सारथी, यानी कि जो उनका रथकार था, उसको महल के बाहर घुमाने के लिए मना लिया, ठीक है। जब वो महल घूमने गए ना, तो महल घूमने की इनकी जो पहली यात्रा थी, मतलब बाहर जाने की इनकी पहली यात्रा, काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक रही। अब कष्टदायक क्यों रही, तो इन्होंने सबसे पहले 3 चीज़ों को देखा, ठीक है। एक बूढ़े आदमी को देखा। अब बूढ़े आदमी को देखने के बाद उन्होंने देखा कि भाई उसका दांत टूट गया है, बाल पक गए हैं, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, लाठी पकड़ कर वो चल रहा है और धीमे धीमे कांपता हुआ चल रहा है। गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है और ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो उनके सारथी ने जवाब दिया कि हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो हम भी एक ना एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे। अभी हम जवान हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं, है ना, अच्छे दिखते हैं, लेकिन एक समय हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने सोचा, मतलब सिद्धार्थ ने सोचा कि यार एक दिन मैं भी ऐसा ही हो जाऊँगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं भी लाठी लेकर चलूँगा, है ना, मैं भी कांपता हुआ चलूँगा। तो कहीं ना कहीं इससे उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। उसके बाद आगे चल के उन्होंने रोगी को देखा, है ना, बीमार व्यक्ति को देखा, जिसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सांस तेजी से उसका चल रहा था, है ना, कंधे ढीले पड़ गए थे, पेट फूल गया था उसका, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, और मतलब कहीं ना कहीं खुद के सहारे नहीं चल पा रहा था, दूसरे के सहारे चल पा रहा था। तो गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि इसको क्या हुआ है, ये इस तरीके से क्यों चल रहा है, इसका शरीर क्यों पीला पड़ गया। तो सारथी ने जवाब दिया कि इस दुनिया में जो व्यक्ति आया है ना,
वो कभी ना कभी अपने जीवन में बीमार जरूर होगा, है ना। और बीमार होने के समय उसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। उसके बाद उन्होंने एक लाश को देखा जिसको चार आदमी ने क्या कर रखा था, उठा रखा था। पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे, जो उसमें से बहुत सारे लोग रो रहे थे, कोई छाती पीटता हुआ रो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार ये क्या हो गया, इसको क्यों ऐसे बांध के लेके जा रहे हैं, अपने सारथी से पूछा। तो उनके सारथी ने जवाब दिया कि इस दुनिया में जो कोई भी आया है ना, उसको एक ना एक दिन मरना है। ये मृत्यु क्या है, सत्य है, निश्चित है। तो गौतम बुद्ध ने फिर सोचा कि यार मैं भी मर जाऊंगा, मेरे को भी ऐसे ही बांध के लोग लेके जाएंगे, मेरे भी घर वाले रोएंगे, ठीक है। तो इससे और ज़्यादा उनको पीड़ा हुआ। लेकिन आगे चल के उन्होंने देखा एक सन्यासी को। अब सन्यासी को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, दुनिया में दुख क्या होता है, मोह माया क्या होता है, इन सब चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं था, और बिल्कुल शांत योगी की मुद्रा में बैठा हुआ था। इस चीज़ ने क्या किया, गौतम बुद्ध को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, और गौतम बुद्ध ने भी ठान लिया कि वो भी अब क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। तो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, रात को उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे, उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल, और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था यशोधरा, उन सबको रात को छोड़ दिया और रात को ही निकल गए घर से बाहर, महल से बाहर निकल गए सन्यासी बनने के लिए। और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया, घोर तप किया, तपस्या किया, बहुत दिन तक भूखे भी रहे। कहा जाता है कि भूखे रहने के कारण वो एक बार मरते मरते बचे थे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, बौद्ध गया में बट वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे, ऐसा भी कहा जाता है, वहाँ पे बैठकर उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और आखिरकार उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो महाज्ञानी के नाम से जाने गए, यानी कि सिद्धार्थ से अब उनका नाम क्या पड़ गया, गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि गौतम क्या है, इनके गोत्र का नाम है, और बुद्ध हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, जो ज्ञानी हो, है ना। तो इसलिए सिद्धार्थ को अब किस नाम से जाना जाने लग गया, गौतम बुद्ध के नाम से जाने लग गया। और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी शिक्षा का प्रचार करना शुरू कर दिया। और उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, पहला उपदेश दिया था लोगों को, शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की थी। अब देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो कोई भगवान तो थे नहीं, एक इंसान थे, है ना। और लोगों को तर्क के आधार पे, उनके एक तरीके से अपने विवेक के आधार पे उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। जैसे कि आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ी औरत होती है और उसके बेटे को सांप ने काट लिया होता है, है ना, और उसका बेटा मर जाता है। तो उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुना था उस बूढ़ी औरत ने, तो गौतम बुद्ध के पास आती है और गौतम बुद्ध को कहती है कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, आप मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि तुम ऐसे घर से सरसों लेकर आओ, पहले तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त पे ही करूंगा, तुम्हें ऐसे घर से सरसों लेकर आना है जिस घर में कोई मरा ही ना हो, ठीक है। तो बूढ़ी औरत बोलती है ठीक है मैं ढूंढूंगी, मेहनत करूंगी, हर जगह जाऊंगी और मैं ऐसे घर से सरसों लेकर आऊंगी। तो बूढ़ी औरत गांव-गांव, शहर शहर भटकती है, नगरों में भटकती है और उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे कोई मरा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश की कि मृत्यु क्या है, सत्य है, इस दुनिया में जो आया है ना एक ना एक दिन जाएगा जो, ठीक है। तो ये चीज़ समझाने की कोशिश की। इसके अलावा इनकी बहुत सारी ऐसी स्टोरी है, कहानी है, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, ठीक है। आगे हम गौतम बुद्ध की शिक्षा की बात कर लेते हैं कि यार गौतम बुद्ध ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार किया था, यानी कि जीव जंतुओं को नहीं मारना है, मनुष्य को की हत्याएं नहीं करनी है। इसके अलावा यज्ञ और जो पशु बलि है उस परंपरा का भी इन्होंने विरोध किया था, यानी कि वो कहते थे कि भाई यज्ञ क्या है, एक तरीके से ढकोसला है और इससे हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। पुराने समय में ब्राह्मणों का समाज में दबदबा था और वो कहते थे कि भाई यज्ञ करके ना आप बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने इसका खंडन किया था। पशु बलि की भी इन्होंने क्या की, एक तरीके से निंदा की थी। आपसी भाईचारे को गौतम बुद्ध ने क्या किया, बढ़ावा दिया था। जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी इन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाया था। उसको बहुत ही एक तरीके से बुरी व्यवस्था मानते थे, जाति व्यवस्था को। इसके अलावा इनके अनुसार क्या है कि विश्व अनित्य है। अनित्य यानी कि यहाँ पे हमेशा क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ एक न एक समय आएगा जब बदल जाएगा, ठीक है। और इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख क्या है, मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। यानी कि क्षणभंगुर का मतलब है इस छोटी सी दुनिया में क्या है ना कि दुख मनुष्य के जीवन से जुड़ा रहता है, वो छाकर भी अलग नहीं हो सकता है। अगर दुखों से मुक्ति पानी है तो घोर तपस्या करना होगा, और इसके अलावा हमें मध्यम मार्ग को अपनाना होगा, यानी कि बीच का रास्ता कोई हमें चुनना होगा। यानी कि मध्यम मार्ग का मतलब है कि ना तो ज़्यादा घोर तपस्या करनी है और ना ही ज़्यादा ही सिंपल हमें ज़िंदगी जीनी है, बल्कि बीच का कोई रास्ता हमें सेलेक्ट करना है, इसको हम मध्यम मार्ग बोलते हैं। इसके अलावा इनका मानना यह था कि भाई इस समाज का निर्माण जो है ना हम इंसानों ने किया है, ना कि भगवान ने, है ना। हम इंसानों ने इस दुनिया को बनाया है, इसीलिए जितने भी जमींदार थे या फिर गृहपति थे या फिर जो अमीर लोग थे उनको दयावान होने की सलाह दी थी, उनको अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा।
इसके अलावा गौतम बुद्ध का ये मानना था कि कोई व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को ठानता है ना तो उसको कर सकता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में अपने शिष्यों को ये कहा था कि तुम सब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ढूंढना है। ये अपने अंतिम उपदेश ने गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, यानी कि तुम्हें अपने लिए जो भी करना है ना खुद ही करना होगा, तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा, कोई दूसरा व्यक्ति शायद ही तुम्हारी सहायता करे। ये बात गौतम बुद्ध ने कही थी। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा में आप ये सारे पॉइंट्स बता सकते हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे स्तूप के बारे में, स्तूप के ऊपर काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है, स्तूप इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक रहने वाला है। ठीक है ना, स्तूप होता क्या है और इसको कैसे बनाया जाता था, किस प्रकार से इसकी रचना होती थी, ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में समझेंगे। आज के इस वीडियो में जितने टॉपिक समझाने थे मैंने आपको समझा दिया है, बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, वीडियोस बना के लेकर आता हूँ, तो आप लोग भी अपना मतलब थोड़ा सा हेल्प कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।